देश और विदेश में विभिन्न क्षेत्रों पर परचम लहराने वाले मध्य प्रदेश में एक बार फिर नई प्रतिभाओं को तराशने का काम शुरू किया गया है और इसे शुरू किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा। इसके लिए 21 नवंबर से मुख्यमंत्री कप प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत गत दिवस रीवा जिले के मऊगंज में विकास खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन सीएम राइज स्कूल मैदान में किया गया। कार्यक्रम में आरम्भ में मुख्य अतिथि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल रहे और विशिष्ट अतिथि खेल एवं युवा कल्याण के संयुक्त संचालक एमके धौलपुरी, वरिष्ठ पत्रकार राजेश दुबे का आयोजकों द्वारा माल्यार्पण से स्वागत किया गया। मऊगंज विधायक ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार द्वारा इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं से इसका उद्देश्य प्रदेश में नई खेल प्रतिभाओं को खोज कर उन्हें उचित प्रशिक्षण देकर तराशना और आगे बढ़ाना है। खेल को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए रीवा में 10 करोड़ की लागत से स्टेडियम बन रही है, तो वहीं कल ही मऊगंज में स्टेडियम के लिए सरकार को प्रपोजल भेजा गया है। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेवी मोहनलाल शुक्ला ढेरा, सीएम राइज स्कूल प्राचार्य बी एन उपाध्याय, धर्मेंद्र पांडे ब्लॉक क्रीडा अधिकारी, कार्यक्रम के आयोजक खेल एवं युवा कल्याण विभाग जिसमें ब्लॉक युवा समन्वयक अमर पासी, मकसूद खान, नौसद खान, रवि गुप्ता उपस्थित रहे। आज जिसमें फुटबॉल में 4 टीमों ने भाग लिया और देवतराव फुटबॉल अकादमी प्रथम स्थान प्राप्त किया और द्वितीय मऊगंज फुटबॉल टीम एवं ढेरा सीएम राइज स्कूल तृतीय रही। फुटबॉल महिला ढेरा प्रथम और मऊगंज द्वितीय रही। कबड्डी महिला सीएम राइज स्कूल प्रथम रही और ढेरा द्वितीय रही। बालक कबड्डी मऊगंज प्रथम और देवतालाब टीम द्वितीय रही और वॉलीबॉल में रतन गवा टीम प्रथम और देवतालाब द्वितीय रही। खो खो ब्लॉक मऊगंज टीम प्रथम रही और रतन गवा द्वितीय टीम रही। खो खो बालिका मऊगंज टीम प्रथम रही और रतन गवा द्वितीय रही। कुश्ती में एनी आर्य खान प्रथम, द्वितीय राहुल रहा और महिला में प्रिया प्रथम और द्वितीय सोनम रही। एथलेटिक्स में बालिका रश्मि साकेत एवं बालक रोहित पाठक गोला फेंक सौरभ मिश्रा रहे, जिन्हें मऊगंज विधायक के द्वारा खेल युवा कल्याण विभाग की ओर से प्रशस्तित और मेडल में सम्मानित किया गया। आयोजन को लेकर जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी संबंध में एमके धौलपुरी ने संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में मऊगंज ब्लॉक के खिलाड़ी बालक एवं बालिका वर्ग में सम्मिलित हुए। प्रतियोगिता के अंतर्गत 6 खेलों एथलेटिक्स, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल खेलों का आयोजन किया गया है। ब्लॉक लेवल पे, फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर इंडिया लेवल पे और फिर स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे इसमें बहुत सारी राशि है, 1,00,000 रुपये का पुरस्कार है, 75,000 रुपये पेंशन करके टीम को आगे बढ़ाना, आपके टैलेंट को परखना और आप आगे जाके जब स्टेट लेवल पे जाएंगे माननीय सीएम साहब खुद इसके मुख्य अतिथि होंगे और माननीय श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया वो भी रहेंगी साथ में, तो आपको बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा। लोअर लेवल पे हम सिर्फ टैलेंट चेक कर रहे हैं, आपका क्राउड देख के बड़ी खुशी होगी कि कम से कम इतने खिलाड़ी यहाँ उत्साहित हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय विधायक साहब का कि आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और एक युवा खिलाड़ी को जोरदार ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा टाइम है और बहुत रफ एरिया में दौड़ी है, बहुत रफ शूज पहन के दौड़ी है। अगर ये टैलेंट अपना ठीक करेगी तो 100% मैं उम्मीद करता हूँ कि ये राज्य स्तर पर अपना नाम रोशन करे। सेकंड की धौलपुरी की डॉटर ऑफ नरेंद्र सिंह पर धौलपुरी हुई है 16 सेकंड में इन्होंने धौलपुरी की, बहुत बहुत 200 मीटर की दौड़ी। और निकिता की आप 2.69 पुरस्कार शाम को हम किसी अतिथि के माध्यम से करवाएंगे। चालू